कितने देर से हैं ये लोग? ये तो अभी हमने देखा अचानक ही, हम तो हमें लगा ये कैसे गर्दन टूट रही है। आधा घंटा पहले स्लीपर और जनरल कोच के जर्नी के बिना चैनल अधूरा सा लगता है, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी कवर की जाए, वो भी स्लीपर क्लास में। Hey you awesome people, it's your boy VS Mohan, welcome back with new video. So, आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12269 जिन्ने निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि वीक में दो दिन चलती है, मंडे को और फ्राइडे को। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन सुबह 6:40 में जिन्ने सेंट्रल से निकलती है और आपको निजामुद्दीन पहुँचाएगी अगले दिन सुबह 10:40 में। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2175 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन आपको 28 घंटे में चेन्नई सेंट्रल से निजामुद्दीन पहुंचाएगी, और इस ट्रेन का सिर्फ 6 हॉल्ट है, यही तो दुरंतो की खासियत है। मिडिल बर्थ, ऊपर बैग रखा हुआ है आपके भाई का और नीचे लगेज। हमने मिडिल बर्थ क्यों लिया है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जर्नी पहले स्टार्ट होने दीजिए। इसके पीछे एक रीज़न है जो कि जानना ज़रूरी है। वैसे सीट तो खाली था, विंडो साइड भी मिल रहा था स्लीपर में, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में ना विंडो साइड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए बताऊँगा। सो गाइस, अपनी ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से निकल चुकी है, वो भी बिल्कुल टाइम से 6:40। चलिए अब मैं आपको पेंट्री कोच का टूर करवाता हूँ, और मैं पहली बार पेंट्री कोच का टूर करवा रहा हूँ आप सबको दुरंतो का। चले चलिए। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट लग रहा है और ये सजाया गया इसमें ब्रेकफास्ट लगाने के लिए। सभी लोग काम कर रहे हैं। कहाँ से हैं भैया, कहाँ से हैं आप? एमपी से। क्या नाम हुआ? रामू से। चलिए ठीक है। और इधर देखिए पानी गर्म हो रहा है। इधर आमलेट बन रहा है गरम गरम, सभी लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेकफास्ट पैक हो गया है, लगभग कुछ देर में सर्व किया। कितने बजे ब्रेकफास्ट सर्व होता है सर? कितने बजे? 8 o'clock से सर स्टार्टिंग होती है। 8 बजे से। बज रहे हैं 7:30, तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ सनराइज व्यू। रेडी 1 2 3। ब्रेड आमलेट, ब्रेड और टोमेटो केचप, बटर। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी आगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और कुछ देर में हम लोग अपना फर्स्ट हॉल्ट पहुंचेंगे विजयवाड़ा। तो चलिए मैं आपको उससे पहले दिखाता हूं वॉशरूम का कंडीशन कैसा है चेन्नई दुरंतो में। सामने देखिए मिरर, बेसिन, टैप। और आज मैं जो ट्रेवल कर रहा हूं स्लीपर क्लास में कर रहा हूं, तो मेरा कोच है S5 और उसका वॉशरूम, मैं जिसमें ट्रेवल कर रहा हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं, उसका वॉशरूम बहुत अच्छा है, क्लीन दिख रहा है। मिरर है, ऊपर लाइट है, नीचे बेसिन, टैप, डस्टबिन, सही है। स्लीपर का ऐसा वॉशरूम अच्छा।
431 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BZA, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम लोग के लिए बोर्ड किया जाएगा लंच। तो मैं आपको बताऊंगा कि लंच में क्या क्या सर्व किया गया है। और रही बात ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ विजयवाड़ा जंक्शन के बारे में। तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1888, और यहाँ एवरी डे 342 ट्रेन आके हॉल्ट करती है, और 38 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 40 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और विजयवाड़ा जंक्शन इंडिया का फोर्थ बिजिएस्ट जंक्शन है आफ्टर हावड़ा जंक्शन, न्यू दिल्ली, कानपुर। जी हाँ, 10 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद लंच सर्व होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा लंच में क्या क्या है, टेस्ट भी बताऊंगा। अब तक की जर्नी सही रही, और दुरंतों की तो यही खासियत है कि 431 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ एक हॉल्ट है, अभी आया हूँ यहाँ, यही तो अच्छा लगता है मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस में कम हॉल्ट हो तो मज़ा आता है जर्नी करने का। चपाती, पिकल्स और ये कर्ड। तो लंच करते हैं, फिर मैं आपको टेस्ट बताता हूँ कि लंच का टेस्ट कैसा है। 2 किलोमीटर्स लेटर, सो गाइस अभी दोपहर के बजने वाले हैं 3, और आपका भाई ने कर लिया है लंच कंप्लीट। और रही बात टेस्ट की, तो अच्छा था टेस्ट, मज़ा आ गया खा के, मैं ये बोल सकता हूँ। और आज हमने क्या खाया वो तो मैंने आपको दिखाया, टेस्ट भी अच्छा था। और अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:05 में बलहारसा जंक्शन, जो कि चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस का सेकेंड हॉल्ट। तो आपसे मुलाकात होगी शाम 6:00, तब तक मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बाय। तो गाइस शाम के बजने वाले हैं 6, और हमने एक नींद पूरी कर ली है, और इस बीच में सर्व हुआ था 4 के लगभग स्नैक्स। तो स्नैक्स में दिया गया था समोसा, टोमेटो केचप और साथ में टी। तो हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं नींद में था। तो अब आने वाला है बलहारसा जंक्शन, तो बलहारसा जंक्शन आएगा, उससे पहले मैं आपको एक सनसेट व्यू दिखाना चाहता हूँ। तैयार हैं? रेडी, 1 2। सो गाइस 881 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बलहारसा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BPQ, और यहां इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 5 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहां से हम लोग के लिए बोर्ड किया जाएगा डिनर। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिनर में क्या क्या सर्व किया जाएगा।
तो चलिए मैं बात करता हूँ बलहारसा जंक्शन के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ एवरी डे 161 ट्रेन आके यहाँ हॉल्ट करती है और यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और बलहारसा इज फेमस फॉर व्हाट पता है? बलहारसा इज फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री। जी हाँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज डिनर में क्या क्या सर्व हुआ। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, ये रहा दाल और सही है दाल, ठीक है आप देख सकते हैं स्लीपर में इस तरह का मिल रहा है तो अब क्या चाहिए। और साथ में वेज कोफ्ता, ये रहा वेज कोफ्ता, जीरा राइस, साथ में मदर डेयरी का दही, ये रहा दही, पराठा, और एडिशनल ऐड करने के लिए दिया गया ये साल्ट, और साथ में ब्लैक पेपर। तो ये रहा आज का डिनर। तो हम लोग करते हैं डिनर, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसा है। वेलकम टू विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर, जिसका स्टेशन कोड है NGP, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। नागपुर जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1887 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1992। और यहाँ एवरी डे 232 ट्रेन हॉल्ट करती है और यहाँ से 20 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 21 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और आपको पता है ना नागपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? ऑरेंज के। जी हाँ, आपने बेंगलोर राजधानी का ब्लॉग देखा होगा तो उसे मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि डिनर कैसा लगा। तो भाई स्लीपर में इतना अच्छा डिनर सर्व किया गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। आज तक इससे पहले स्लीपर में मैंने इस तरह का खाना नहीं खाया था जैसा मुझे चिन्ने दुरंतो में स्लीपर में मिला है। भाई साहब बहुत अच्छा वेज कोफ्ता तो पूछो ही मत, लाजवाब था। तो डिनर तो काफ़ी अच्छा मिला, मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा भाई। अब कोई हो सकता है दूसरे को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी सुबह में जैसे ही नींद खुलती है, उसके बाद देखते हैं कहाँ नींद खुलती है। और ट्रेन अब तक टाइम से चल रही है, अब आगे देखिए क्या होता है, उधर धुंध है क्या है वो तो सुबह में बताएंगे, ट्रेन लेट है या कुछ क्या है वो तो सुबह में पता चलेगा ना। तो चलते हैं अंदर। The next morning. सो गाइस, तो ये है आज का ब्रेकफास्ट। अब देखिए रहा आमलेट, ब्रेड, अमूल बटर और टी किट, टोमेटो केचप। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में न्यूज़पेपर दिया गया है अभी जो कि कम्प्लीमेंट्री है।
Finally, we arrived at our final destination, Nizamuddin, और ट्रेन 25 मिनट डिले पहुंचाई है और इस वेदर में, इस फॉगी वेदर में 25 मिनट डिले कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा, जर्नी एक्सपीरियंस और सर्विस काफ़ी अच्छी मिली। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो इस ट्रेन में 8 स्लीपर कोच, 4 थर्ड एसी, 2 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच के साथ चलती है। और आज आपका भाई जर्नी कर रहा था स्लीपर में, जिसका चार्ज मुझे लगा 1500, क्योंकि डायनेमिक फेयर है। वैसे बेस प्राइस इसका 1215 रुपीज़ है, मुझे पड़ा 1500 और उसी में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब इंक्लूड था। तो ये थी आज की जर्नी, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। ब्लॉग तो आपने पूरा देख लिया, लेकिन आप सभी के मन में एक डाउट होगा कि भैया ने जो 5 सेकेंड का क्लिप दिखाया था स्टार्टिंग में, दो बंदे सीढ़ी पे लेटे पड़े थे, एक्चुअली वो था क्या? तो बात यह है कि वो दो बंदे को नशा खिलाया गया था, वो लेटे पड़े थे। वैसे मैंने 7 से 8 मिनट का वो क्लिप बनाया है, रॉ वीडियो है, लेकिन मैं नहीं डाला इस ब्लॉग में ताकि ये ब्लॉग ख़राब ना हो, ब्लॉग अच्छा रहे, इस वजह से मैंने नहीं डाला। अगर आप चाहते हैं कि वो जो हमने शूट किया था, जो बंदे के साथ घटना घटी, फिर मैं गया स्टेशन, पुलिस स्टेशन, उन्हें इन्फॉर्म किया, तो वो सारा वीडियो हमने बनाया है, रॉ क्लिप है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से वो क्लिप डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो। और कोई बड़ी बात नहीं, आप कमेंट करके बताएं, ठीक है? वैसे आप जर्नी करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, सतर्क रहे, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, आपको भी नशा खिलाया जा सकता है, तो सतर्क रहे, ठीक है?